गर्भवती महिलाएं सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराकर न केवल निजी अस्पतालों में लूटने से बचे बल्कि सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रसव संबंधी लाभकारी योजनाओं का फायदा भी उठा सके। इसके लिए आशाओं की नियुक्ति की गई जो कि गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने का माध्यम कही जाती है। इसके लिए प्रसव के समय आशाओं को एक निश्चित प्रोत्साहन राशि दी जाती है, पर सरकार के इस मनसूबे में छेद होना शुरू हो गए हैं। झोला छाप दाइयों से लेकर निजी अस्पतालों तक इन आशाओं की घुसपैठ बन गई है। तमाम आशाएं गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल न ले जाकर अपनी साठगांठ वाले स्थानों पर भेज देती है। इसके एवेज में उन्हें एक मोटी रकम मिल जाती है और इस लूट का खामियाजा आखिरकार गर्भवती महिला के परिजनों को उठाना पड़ता है। CMO विनीत शुक्ला ने बताया कि उनके पास इस तरह की कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। अगर शिकायत आएगी तो जांच कर कार्रवाई होगी। मेरा नाम ममता देवी है, गांव नवार में रहती हूँ मैं और मैं आशा का कार्य करती हूँ। क्या इल्जाम है आप? मुझे ये शिकायत है कि मेरा कार्य नवाल गांव में ही है, ठीक है, पर दूसरे एरिया की आशा आके मेरे गांव में मेरे मरीजों को भड़का के सरकारी की जगह प्राइवेट ले जाती है, क्योंकि उसका एरिया कम है और मेरा एरिया लेना चाहती है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मुझे ये है कि मतलब अगर जाए तो सरकारी जाए मरीज, प्राइवेट ना जाए। वो ऐसा क्यों करती हैं जो कि प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए क्या है आखिरकार वजह, क्यों नहीं लेके जाती सरकारी अस्पताल में? क्योंकि सरकारी में हम लोगों को 600 रुपये मिलता है डिलीवरी पे जी। दूसरी बात, अगर हम उसके बच्चे की देखभाल कर रहे हैं तो उस पर 250 रुपये मिलता है, कुल मिला के हमें इतना ही पैसा मिलता है और मानदेय सूची भी मिलती है, उसका ही पैसा मिलता है। और प्राइवेट में उन लोगों को जो भी पैसा जमा करवाते हैं वो लोग तो उसका 40%, 50%, 35% ये देते हैं, उसे मोटी रकम मिलती है हॉस्पिटल से प्राइवेट वालों से, इसीलिए उसे ये लालच है कि मैं प्राइवेट लेके जाऊंगी तो मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा। आशा उस आशा का नाम है सुमन देवी। चल रही हैं? हाँ, सुमन देवी बहुदनपुर की आशा है, उसकी आबादी भी कम है और वह अपने गाँव के या क्षेत्र के ना ले जाके कार्यक्षेत्र मेरे यहाँ के मरीजों को भड़काती है कि सरकारी में कोई सुविधा नहीं है, कि ये नहीं है वो नहीं है, दवाइयाँ पर गौर नहीं देते हैं और प्राइवेट ले जाती है उनको। मतलब वह अस्पताल की बुराइयाँ करती हैं जाकर? हाँ, जबकि वो आशा सरकारी अस्पताल की ही हैं। हाँ, वो आशा सरकारी हॉस्पिटल की है लेकिन फिर भी वो बुराइयाँ करती हैं, जिससे उनके पास जाए फिर उन्हें मतलब प्राइवेट ले जाए। क्या आज तक आपसे किसी मरीज ने शिकायत की उनकी या बताया आपको? आज तक शिकायत करने के लिए तो मतलब अभी मैंने जल्दी में अभी आज ही का एक केस है जो अभी वो मैंने अभी तक देखभाल की उसकी, ठीक है, और एंड टाइम पे वो आज उसको ले गई। मैंने उससे कहा सरकारी में चलूँगी, कहीं भी चलो मैं चल सकती हूँ, तो उसने बोला कि मैं आज नहीं कल जाऊंगी, कल नहीं परसों जाऊंगी, लेकिन आज एंड टाइम पे मैं घर पे थी और पता लगा मैं 2 मरीजों को और लेके आ रही थी अटहरी हॉस्पिटल में, लेकिन उसने क्या किया, वो जो एक मरीज था उसको लेके प्राइवेट चली गई जो अभी भी रेशमा हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या वह रेशमा हॉस्पिटल में ही ले जाती है मरीजों को या और भी अन्य अस्पतालों में? वो अन्य हॉस्पिटल में भी ले जाती है लेकिन अभी वक्त की बात वह रेशमा हॉस्पिटल में मरीज भर्ती है जिसका नाम गीता है, हस्बैंड का नाम राकेश है, और उसने अभी मैंने फ़ोन किया तो उसने खुद कहा है कि सुमन ने भर्ती कराया है।